नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। भारतीय संस्कृति सनातन की एक ऐसी विद्या आपके सभी लोगों को सौंपने जा रहा हूं, जो आप बाबाओं के चक्कर में, तंत्र मंत्र के चक्कर में इधर उधर भटकते हैं, उसके बावजूद परेशान रहते हैं। तो ये तंत्र मंत्र जादू टोने किया कराया, आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति होगी, उसको काटने में ये मिनटों नहीं लगाएगी, मिनट नहीं लगाएगी। इसे बोलते भस्मासुरी विद्या। अब ये भस्मासुरी विद्या होती क्या है, ये मैं बता दूं। डामर तंत्र खंड खा का ये बहुत ही प्रसिद्ध, देखिए डामर तंत्र के तीन वो थे, खंड थे, जिसमें लास्ट वाला खा जो है उसके अंदर इसी तरीके विद्याओं का समावेश है। अब क्या है कि ये विद्याएं लुप्त हो गई हैं, किताबें लुप्त हो गई हैं, जिनके पास बहुत पुराने लोग हैं उनके पास बची हुई हैं, वो भी किसी को दे नहीं रहे ना दिखा रहे, यही सबसे बड़ी विडंबना है। देखिए हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपके पास भी कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हों जो आपके बाप दादाओं की हो, आजमाई हो, तो इसे आप निकटतम अपने किसी जानकार व्यक्ति को या आप खुद ही लोगों के बीच शेयर करें, ताकि ये विद्याएं हमारी लुप्त ना हो। तो भस्मासुरी विद्या क्या है, कैसे प्रयोग करना, चलिए हम बताते हैं। प्यारे दर्शकों, इस विद्या को सबसे पहले मैं बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मंत्र लिखा हुआ है, और इस मंत्र को जाप करने के लिए, आपको सिद्ध करने के लिए छोटे छोटे उपले के 108 टुकड़े लेना है। उपले उसे बोलते हैं, कंडा बोलते हैं, गौरी भी बोलते हैं, गोबर से, गाय के गोबर से बनता है, उसको लेना है। किसी भी अमावस्या या किसी भी पूर्णिमा को आप अग्नि जलाएंगे, गौरी का ही अग्नि जलाएंगे, और इस एक एक गौरी को दक्षिण मुख होकर बैठकर रात को 7 बजे के बाद कभी बैठ सकते हैं, घी में डुबोकर इसी मंत्र को एक बार पढ़कर जैसे हवन करते हैं उस तरीके आपको इसको भी जलाना है। इस प्रकार 108 कंडे के टुकड़े मंत्रों सहित भस्म हो गए। अब ये भस्म आप अपने पास जब शीतल हो जाए छान कर निकाल कर रखिए। जिस किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो, किसी के ऊपर प्रॉब्लम हो, घर पे हो तो घर में छिड़क कर, व्यक्ति के ऊपर है तो व्यक्ति के ऊपर छिड़क कर, मंत्र पढ़कर एक नींबू उतार कर इसको एक झटके में एक नींबू कटना चाहिए। व्यक्ति के ऊपर हो तब भी, घर के ऊपर हो तो पूरे घर से एक नींबू उतार के एक झटके में कटना चाहिए। कटने के बाद थोड़ा सा यही भस्म उसके ऊपर छिड़क कर कपूर से आग लगा दें। जैसे कपूर जलेगा, जैसे भस्म दोबारा जलेगी, वैसे उस घर की क्रिया करतूत, जादू टोना, ऊपरी पर, तंत्र मंत्र यंत्र सर्वता के लिए उसका शमन हो जाएगा, नाश हो जाएगा, कभी वो उस घर में पीड़ा नहीं पहुंचाएगी। ये बहुत चमत्कारी विद्या, इसको करिए, लाभ उठाइए, और तंत्र मंत्र जादू टोने बाबाओं के चक्कर से दूर रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, साथ ही आप नेक सोचिए, नेक कार्य करिए, दिन भर में एक अच्छा काम जरूर करें, और आपके यहाँ बच्चों का बर्थडे हो या हो खुशहाली का मौका, तो एक वृक्ष जरूर लगाएं। जय श्री राम।